नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका KNN न्यूज़ चैनल में। आलोट ताल रोड रेलवे गेट नंबर 20 के ओवरब्रिज के लिए सेतु निगम से 23,25,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। रेलवे द्वारा यहां पर कई वर्ष पहले ही ब्रिज बना दिया गया था। राज्य शासन से राशि नहीं मिलने के कारण इसका कार्य काफ़ी समय से अधूरा पड़ा था। लगातार नगरवासियों की मांग के बाद राज्य शासन ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर इसकी राशि आवंटित की है। इस स्वीकृति में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत एवं क्षेत्र के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का प्रयास रहा है। सेतु निगम से 23,25,00,000 रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत होने के बाद इस ओवरब्रिज का कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। ओवरब्रिज बनने से आलोट जावरा का यातायात सुगम होगा तथा रेलवे फाटक बार बार बंद होने की झंझट से नागरिकों एवं वाहन चालकों को मुक्ति मिलेगी। आलोट से दीपक जोशी की रिपोर्ट। सबसे पहले मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आलोट की जो हमारी पुरानी मांग थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर विधायक था, जब इसको सेंट्रल से हमने रेलवे विभाग से ये पुलिया की मांग जो थी और जो पुल बनना था, ये 20 नंबर पे जो पुल है, पुर का पुल है, हमारे यहाँ एक और विक्रमगढ़ का भी जो पुल है, इसकी सबकी मांगे थी और उसमें से ये बनकर तैयार हो गया था। रेलवे ने अपना काम ख़त्म कर दिया। ये सेतु निगम से मध्य प्रदेश शासन को बनाना था और हर दिन मैं इसके पत्र देकर आता था। इसमें सहयोग मेरे पिता माननीय श्री कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत साहब का सहयोग रहा। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी का भी बहुत सहयोग रहा। अभी पूर्व में 2 माह पहले मैं जब माननीय CM साहब से मिलने गया था तो मेरी प्रमुख मांगे जो थी मैंने उनको रखी है। और यहाँ आलोट की भी एक जो धरा है, इसका आवागमन जाने के लिए, जो सुगम बनाने के लिए हमें बार बार जनता के द्वारा बताया गया था, तो मैं अभी 15 दिन पहले CM साहब से मिला था। उस वक्त भी मैंने यही मांगे रखी थी और कुछ सड़कों की मांग रखी थी। और प्रतिवेदन में मैंने ये कहा था कि सबसे पहले मुझे आलोट का, क्योंकि हमारे मेघपुर का जो सेतु निगम से रोड मिल गया, हमारा आलोट का वंचित रह गया था। तो तत्काल वे में कैबिनेट के अंदर उन्होंने कल 1:30 बजे जो कैबिनेट थी और PWD की बैठक थी, उसके अंदर हमें ये सबसे बड़ी सौगात दी। मैं माननीय शिवराज सिंह जी को, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आलोट को एक नई सौगात मिली। इसके अंदर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।